संसार के असंख्य जीव जंतु में से एक है मानव, जो अपने शुरू से ही परमात्मा नामक शक्ति की श्रद्धा पूर्वक उपासना करते आया है। ये वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। हर साल लाखों भाविक अपने भगवान के दर्शन की आस में उसे अपने आँखों से हृदय में समाने के लिए और उसकी कृपा दृष्टि के लिए उसके स्थान की यात्रा करते हैं। इनमें से कई यात्राएं उनकी दुर्गमता एवं ऊंचाई के लिए कठिन मानी जाती है। ऐसे ही कठिनतम यात्राओं में से एक यात्रा है कैलाश मानस सरोवर यात्रा। इस यात्रा में मानस सरोवर और कैलाश पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश मानस सरोवर यात्रा के कई मार्ग प्रचलित हैं। पहला मार्ग जो भारत सरकार आयोजित है वो न्यू दिल्ली से शुरू होकर उत्तराखंड के धरचूला, नारायण आश्रम, कालापानी, लिंपू पास, पुरांग और अंत में कैलाश परिक्रमा के प्रवेश द्वार दार्चिन तक पहुंचता है। दूसरा मार्ग सिक्किम के गैंगटोक से शुरू होकर नथुला पास, कांगमा, लाजी, डोंगबा और अंत में दार्चिन तक पहुंचता है। तीसरा मार्ग जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होकर तातोपानी, नायलाम, संगा बाजार, डोंगबा और अंत में दार्चिन तक पहुंचता है। चौथा मार्ग नेपाल के नेपालगंज से शुरू होकर सिमिकोट, हिल्सा, पुरांग और अंत में दार्चिन तक पहुंचता है। हमारी कैलाश मानस सरोवर यात्रा इस चौथे मार्ग पर संपन्न हुई। नेपालगंज ये भारत नेपाल सीमा के लगत छोटा सा गांव है। लखनऊ से बस द्वारा 188 किलोमीटर का 5-6 घंटे का सफर तय कर हम नेपालगंज पहुंचते हैं। एक रात के विश्राम के बाद हम नेपालगंज एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। नेपालगंज का एयरपोर्ट एक छोटा सा एयरपोर्ट है। यहाँ से काठमांडू और सिमिकोट तक आने जाने के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध है। इस छोटे से 20 सीटर हवाई जहाज में बैठकर हम सिमिकोट के लिए रवाना होते हैं। नेपालगंज और सिमिकोट का सफर 45 मिनट का है। मीटर यानी 9,550 फीट की ऊंचाई पर बसा सिमिकोट किसी हिल स्टेशन की तरह है। सिमिकोट में आने जाने के लिए मुख्य मार्ग केवल हवाई मार्ग है। दूसरा मार्ग पैदल है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। अनुपम निसर्ग सौंदर्य से घिरे इस छोटे से गांव में यात्रियों के सुविधा के लिए कई लॉजेस हैं। कुछ यात्री यहां 1-2 दिन गुजार कर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। पहाड़ों में बसे इस छोटे से गांव की जनसंख्या लगभग 600 के करीब है। सिमिकोट हवाई अड्डे के एक भाग में
549 मीटर यानी 1810 फीट का छोटा सा रनवे है। इस छोटे से रनवे के कारण विमान कंपनियों द्वारा सिर्फ STOL यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग टाइप के एयरक्राफ्ट ही इस्तेमाल किए जाते हैं। थ्रीमिकोट और हिल्सा का सफर हम हेलीकॉप्टर द्वारा पूरा करेंगे। एक हेलीकॉप्टर में पायलट को गिनकर केवल 6 यात्री बैठ सकते हैं। थ्रीमिकोट से हिल्सा तक का तकरीबन 20 मिनट का यह हेलीकॉप्टर सफर काफी रोमांचकारी है। कई ट्रैकर सिमिकोट से 5 दिन का ट्रेक करके हिल्सा तक पहुंचते हैं। जब आसमान को छूने वाले बर्फीले पहाड़ों के बीच से हेलीकॉप्टर गुजरता है तब ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच उड़ रहे किसी भंवर की भांति लगता है। हिल्सा ये गांव 3640 मीटर यानी 11940 फीट की ऊंचाई पर है। ऊंचाई के कारण यहां हवा तेज चलती है और आप देख सकते हैं कि आसपास हरियाली बिल्कुल नहीं के समान है। हम हेलीकॉप्टर से जहां उतरे उसके कुछ ही दूरी पर कर्णाली नदी बहती है। ये नदी ही नेपाल चीन की सीमा रेखा है। कैलाश मानस सरोवर यात्रा के महीनों में यहाँ धर्मशालाएं खुली होती है। धर्मशाला में खाने और ठहरने की सुविधा है। कर्णाली नदी पर बंधा ये लोहे का पुल पार कर हम नदी की दूसरी तरफ जाते हैं। नदी के इस तरफ आते ही हम नेपाल इमिग्रेशन के टेंट से पासपोर्ट पर इमिग्रेशन का स्टैम्प लगाकर गुजरते हैं। टेंट के बाहर निकलते ही हम तिब्बत में प्रवेश करते हैं। तिब्बत हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, जो रूप ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया की छत के नाम से मशहूर है। ये भूमि है ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वत शिखरों की, सुंदर नीले रंग के गहरे झीलों की और मीलों मील दूर तक फैले घने शांति की। इस चाइनीज इमिग्रेशन की बिल्डिंग में हमारा इमिग्रेशन होता है। चाइनीज इमिग्रेशन के पश्चात तकरीबन 25 से 30 मिनट का बस का सफर तय कर हम पुरांग पहुंचते हैं। यहां पर चाइनीज कस्टम द्वारा हमारे सामानों की जांच की जाती है। पुरांग एक प्राचीन शहर है जो 4755 मीटर यानी 13205 फीट की ऊंचाई पर बसा है। नेपाली भाषा में इसे तकलाकोट कहते हैं। कुरंग के उत्तर में कैलाश मानस सरोवर है और दक्षिण में गुरला मामदहता पर्वत। ये तकलाकोट की मंडी पश्चिम तिब्बत की सबसे बड़ी मंडी है।
कुरंग के 110 किलोमीटर के आसपास के इलाके में इंडस, करनाली जो आगे चलकर गंगा नदी को मिलती है, और ब्रह्मपुत्र जैसे प्रमुख नदियों का उगम है। कुरंग को कैलाश मानस सरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से अब आगे की यात्रा में हवा में ऑक्सीजन की कमी रहने वाली है, इसलिए कुरंग पहुँचने पर या उसके पहले से ही कई यात्रियों को अल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई की बीमारी की तकलीफ शुरू होती है। इस तकलीफ से बचने के लिए यात्री यहाँ से डॉक्टर द्वारा दी गई गोलियों का सेवन करना शुरू करते हैं। यात्री यहाँ दो रात ठहर कर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। मानस सरोवर की परिक्रमा के दरमियान सबसे पहले हम राक्षस तल के दर्शन करते हैं। 4752 मीटर यानी 15,590 फीट की ऊंचाई पर बसी इस नीले रंग के पानी की झील का आकार तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर है। इस झील को 10 शेर वाले राक्षसों के राजा रावण ने बनाया, इसलिए इसे राक्षस तल यानी राक्षसों का तालाब कहा जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने यहाँ कठोर तपस्या की। इस तपस्या दरमियान इस तालाब के एक विशेष द्वीप पर रावण हर रोज अपने एक शीर की आहुति देता था। अंत में 10वें दिन रावण के अपने प्रति श्रद्धा और भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण को दिव्य शक्तियां प्रदान की। इस सरोवर का पानी नमकीन है, हालांकि इसके पूर्व में तकरीबन 4 किलोमीटर पर स्थित मानस सरोवर का पानी मीठा है। एक दूसरे के बगल में स्थित दो झीलों में से एक झील का पानी नमकीन होना और दूसरे का मीठा होना ये अपने आप में एक रहस्य है। हमें बताया गया कि इस झील में कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से कैलाश पर्वत के दूर दर्शन होते हैं। राक्षसतल के ठीक सामने गुरला मानधाता पर्वत है। गुरला मानधाता भगवान शिवजी के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिवजी की कड़ी तपस्या की। जब शिवजी प्रसन्न हो गए तो गुरला मानधाता ने उनके निवास स्थान यानी कैलाश पर्वत के सामने अपने लिए जगह मांगी। आप देख सकते हैं कि इस पर्वत पर कोई तेज चोटी नहीं है। जैसे गुरला मानधाता नतमस्तक होकर शिवजी को प्रणाम कर रहे हो। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यहाँ पे बायोगैस पर चलने वाले इको फ्रेंडली बस का इस्तेमाल होता है। राक्षसतल और गुरला मानधाता पर्वत के दर्शन के बाद तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मानस सरोवर के लिए हम निकल पड़ते हैं। मानस सरोवर की 160 किलोमीटर की परिक्रमा बस द्वारा पूरी की जाती है। गहरे हिमालय की पर्वत श्रेणी का ये हिमा और बर्फ का परिसर सामान्य मनुष्य के लिए काफी समय तक अनजान था, जिसका उल्लेख केवल धर्मग्रंथ एवं पुराणों में ही पाया जाता है। ऐसे इस देवभूमि और सिद्ध भूमि में आने की कल्पना सामान्य मनुष्य केवल सपनों में ही किया करते थे। मानस सरोवर। मानस सरोवर तिब्बत की पश्चिमी भाग में हिमालय श्रृंखला में स्थित है। चार हजार पाँच सौ नब्बे मीटर
यानी 15,060 फीट की ऊंचाई पर नीले रंग की किसी सागर के समान दिखने वाली ये मीठे पानी की अति सुंदर झील कुदरत का एक अनोखा करिश्मा है। विधाता ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम इस मनोहर सरोवर की अपने मन में कल्पना की, इसलिए इसे मानस कहा जाता है। हिंदू एवं बौद्ध धर्म ग्रंथों में मानस सरोवर के सौंदर्य का रसभरित वर्णन किया है। इनमें कहा है कि मंद हवा में नर्तन करती सरोवर की लहरें किनारे को चूम रही है। सरोवर का पानी कांच के समान पारदर्शी है। मानस सरोवर के किनारे के छोटे छोटे पत्थर सूर्य प्रकाश में किसी रत्नों के भांति चमक रहे हैं। इस सरोवर में कई सुवर्ण कमलों के साथ मोती खाने वाले अनगिनत राजहंस है। सरोवर में यक्ष, गंधर्व, किन्नर और लावण्यवती अप्सराएं जलक्रीड़ा कर रही है। किनारे पर ठंडी हवा के झोंकों पर झूलने वाले कल्पवृक्ष खड़े हैं और इंद्र का ऐरावत मुक्त रूप से संचार कर रहा है। भूतल के अत्यंत सुंदर दृश्यों में से एक दृश्य मानस सरोवर का है। मानस सरोवर में कई जगहों पर पानी इतना शुद्ध और निर्मल है कि 6 फीट गहरे पानी में डूबे पत्थर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। मानस सरोवर की परिक्रमा के दरमियान कुछ स्थलों से कैलाश पर्वत के दूरदर्शन होते हैं। मानस सरोवर पर पूजा अर्चना के लिए भाविक पूजा की सामग्री अपने साथ लाते हैं। भाविकों का मानना है कि सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त पर देव व्याधि मानस सरोवर में स्नान करने आते हैं। मानस सरोवर में स्नान और पूजा अर्चना करने के पश्चात बस द्वारा हम दार्चिन पहुंचते हैं। दार्चिन को कैलाश का बेस कैंप कहा जाता है। 4,575 मीटर यानी 15,010 फीट की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा गांव कैलाश पर्वत के ठीक सामने स्थित है। वो रात होटल में गुजार कर दूसरे दिन सुबह हम कैलाश परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। दार्चिन से कुछ किलोमीटर की बस यात्रा करके हम यमद्वार के नजदीक पहुंचते हैं। जिन यात्रियों को घोड़े पर सवार होके कैलाश पर्वत की परिक्रमा करनी होती है उन्हें यहाँ घोड़े मिल सकते हैं। 2018 में 3 दिन का एक घोड़े का भाड़ा यानी चार्जेस 1900 से 2000 चाइनीज युआन यानी 20,000 से 22,000 इंडियन रुपीस तक का होता है। टीबीडी लोगों के लिए याद सब कुछ है,
ये उनका भगवान है, ये उनका वाहन है, इसका वे दूध पीते हैं और इसका मांस भी खाते हैं। यमद्वार। कैलाश पर्वत की परिक्रमा यमद्वार से शुरू होती है। 4,860 मीटर यानी तकरीबन 15,940 फीट पर बसा ये एक छोटा सा मंदिर है। यात्री इसके एक द्वार में से प्रवेश कर ठीक सामने वाले दूसरे द्वार में से बाहर निकलते हैं। इस तरह वे मंदिर की दो या तीन बार प्रदक्षिणा करते हैं। यमद्वार से यात्रियों को कैलाश पर्वत के साउथ वेस्ट फेस यानी दक्षिण पश्चिमी मुख के दर्शन होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यम देवता को मृत्यु का देवता माना जाता है। भाविकों की ऐसी धारणा है कि यमद्वार से गुजरने पर कैलाश परिक्रमा के लिए यम देवता हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। इस कैलाश पर्वत के साउथ वेस्ट फेस पे जो किसी तीर के मुख के समान एक गड्ढा दिखाई देता है, उसे भाविक भगवान शंकर की तीसरी आंख मानते हैं। 3 दिन की कैलाश परिक्रमा यमद्वार से शुरू होती है। पहले दिन 12 किलोमीटर का रास्ता तय कर भाविकों को डेरा फूक इस जगह पर पहुंचना होता है। इस यात्रा में यमद्वार के सिवाय यहाँ कोई मंदिर और मूर्ति नहीं है, यहाँ निसर्ग ही भगवान है। इस यात्रा के दौरान हमारी आत्मा को उस दिव्यात्मा से मिलाना है, हमें अपने हृदय में झांककर निर्गुण का अनुभव प्राप्त करना है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा 52 किलोमीटर लंबी है। इसे घोड़े पर या पैदल 3 दिन में पूरा किया जाता है। ये कैलाश पर्वत का पश्चिमी मुख यानी वेस्ट फेस है। पश्चिमी तिब्बत की हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित कैलाश पर्वत 6,638 मीटर यानी तकरीबन 21,780 फीट की ऊंचाई पर है। कैलाश पर्वत की परिधि यानी सर्कमफेरेंस लगभग 30 माइल का है। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार यह पर्वत भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान है। इंद्र आदि देवताओं के लिए यह एक अगम्य और अद्भुत स्थान है। भगवान विष्णु के लिए ये किसी तीर्थस्थल के समान है। बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत और उसके आसपास का परिसर ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। बौद्ध धर्मियों भी कैलाश और उसके आसपास का परिसर रहस्यमय मानते हैं। इस धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत 9 मंजिल स्वस्ति के समान है और वो शांति और समाधान का एक अलग ही आयाम है। जैन धर्मियों में भी कैलाश पर्वत काफी पवित्र पर्वत माना जाता है। जैन धर्मियों के अनुसार उनके तीर्थहर्तकारा ऋषभ देव को अष्टपद पर्वत पर, जो कैलाश का बगल का पर्वत है, उस पर दिव्यत्व प्राप्त हुआ।
हिंदू धर्म या कैलाश पर्वत की सिर्फ 3/4 परिक्रमा करते हैं, इसलिए उनकी परिक्रमा यमद्वार से शुरू होकर वापस यमद्वार पर समाप्त होने के बजाय जुतुलफुक के नीचे जोंग जरकू पर समाप्त होती है। बौन धर्मिया कैलाश पर्वत की 52 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा साष्टांग दंडवत से पूरी करते हैं। इसे नमस्कार प्रदक्षिणा कहा जाता है। नमस्कार प्रदक्षिणा काफी कठिन मानी जाती है। इस तरह नमस्कार करते हुए कैलाश पर्वत की 52 किलोमीटर की परिक्रमा, जिसे घोड़े से अथवा पैदल चलकर 3 दिन में पूरा किया जाता है, उसे इस प्रकार तकरीबन 25 दिन लगते हैं। ये प्रदेश रहस्यमय इसलिए है कि कई भाविकों को यहाँ दूर से घंटों या शंखों के आवाज सुनाई देते हैं, तो कई भाविकों को कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसे कैलाश का उत्तरी मुख यानी नॉर्थ फेस कहा जाता है। कैलाश पर्वत के शिखर पर हमेशा 12 मास बर्फ जमा होती है। इसके दूरदर्शन से किसी चमकीले रत्न से सजे रजत शिखर का भास होता है। यात्रियों के ठहरने के लिए देराफुक में कई धर्मशालाएं हैं। भाविकों की ये श्रद्धा है कि एक बार कैलाश परिक्रमा से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। 108 बार कैलाश परिक्रमा करने से इंसान सीधे निर्वाण को जाता है। अगर मौसम ने साथ दिया तो सूर्योदय के समय स्वर्ण किरणों में नहाता हुआ कैलाश का शिखर दिखाई देता है। इस मनमोहक दृश्य को गोल्डन कैलाश कहते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर की चोटी किसी बड़े नाग के फन की तरह दिखाई देती है। अगर मौसम खराब हुआ तो भाविकों को देराफुक से ही दार्चेन के लिए लौटना पड़ता है। देराफुक में एक रात के विश्राम के बाद दूसरे दिन सुबह हम दोलमा पास के लिए निकल पड़ते हैं। डोलमा पास, डोलमा यानी पार्वती, कैलाश परिक्रमा का सबसे ऊंचा स्थान। ये 5,500 मीटर यानी 18,200 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से भाविक नीचे की ओर उतरने लगते हैं। तिब्बती भाविक डोलमा पास पे रंगीन कपड़े के टुकड़ों के साथ नाखून, बाल और सोने के छोटे वस्तुएं अर्पण करते हैं। डोलमा पास से नीचे उतरते वक्त रास्ते में गौरीकुंड लगता है।
हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ भगवान शिव और पार्वती स्नान करते हैं। गौरीकुंड से हम नीचे की तरफ उतरना शुरू करते हैं और शाम तक जुतुलफुक तक पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन की ये 22 किलोमीटर की परिक्रमा सबसे कठिन मानी जाती है। जुतुलफुक में गेस्ट हाउस के साथ खाने पीने की प्राथमिक सुविधाएं हैं। तीसरे दिन सुबह हम जुतुलफुक से निकलकर 5 किलोमीटर पर बसे जोर जंगपुर की तरफ आते हैं। जोर जंगपुर पर हमारी 39 किलोमीटर की कैलाश परिक्रमा समाप्त होती है। उसी दिन हम जोर जंगपुर से दार्चिन तक पहुंचते हैं। दार्चिन में एक रात के विश्राम के बाद अगले दिन से हमारी वापसी की यात्रा शुरू होती है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा के बाद कई भाविक तीर्थपुरी जाते हैं। इसके अलावा कई भाविक अष्टप्रत होकर कैलाश के बगल के पर्वत नंदी पर्वत की परिक्रमा करते हैं। ये ऐसा अद्भुत इलाका है जहाँ जितना भी समय व्यतीत करो उतना कम लगता है। यहाँ निसर्ग अनुभव का अनोखा आत्मिक समाधान मिलता है। यहाँ की शांति हमारे हृदय के अनगिनत तार छेड़ती हुई ब्रह्मांड की लहरों से मिलने का आभास देती है। पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा परिसर हो जो मनुष्य को किसी अलग ही दुनिया में ले जाता हो। जीवन में एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए।